नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दिनेश कुमार शुक्ल, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बूंदी, राजस्थान। बीए तृतीय वर्ष विश्वचरितम की श्रृंखला में आज ये 17वां दिन है। आज हम 17वां व्याख्यान देखेंगे। हम देख रहे हैं कि विहार भद्र के कहने में आकर राजा अनंत वर्मा ने सभी मंत्रियों की उपेक्षा करनी शुरू कर दी। सिर्फ मंत्रियों की ही उपेक्षा नहीं, बल्कि उनकी सलाह की भी अनदेखी करने लगा। मंत्रियों ने विचार किया कि अब हम कर ही क्या सकते हैं, ये हमारी सुनता ही नहीं राजा। हालांकि हम वंश परंपरा से राजा के वफादारों में रहे हैं, हमारे पिता और पितामह यानी बाप दादे हमारे राजा की सेवा में थे, इस राजा के और इसके बाप दादाओं की सेवा में हम और हमारे बाप दादे रहे हैं, तो हम परंपरा से, पारिवारिक परंपरा से राजवंश के वफादार रहे हैं। लेकिन हम कुछ भी कर लें, हम इसकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हमारी कुछ सुनने को ही तैयार नहीं। ये सुनता है सिर्फ विहार भद्र की, और विहार भद्र से हमेशा गलत राह पर ले जाता है। उन मंत्रियों को दिख गया था कि संकट बहुत समीप है, यहाँ तक उन्होंने अनुमान लगा लिया था कि अश्मकेंद्र यानी अश्मक प्रदेश का राजा वसंत भानु इस राज्य पर की दृष्टि लगाए बैठा है। बच्चों, हम देखेंगे कि राजाओं के बीच में किस तरह के घात प्रतिघात होते थे, कैसे एक दूसरे के राज्य को जीतने के लिए कितने छल बल हुआ करते थे। हम जानते हैं कि मनुष्य जब सीधे तौर पर ताकत से नहीं जीत पाता तो वो छल बल से जीतने की कोशिश करता है। साम, दाम, दंड और भेद, ये राजा की चार नीतियां कही गई हैं। चाणक्य ने जितनी बातें बताई थीं किसी राज्य को जीतने के लिए, वो सब हम यहाँ पाएंगे। और जितने घात प्रतिघात होते थे राज्य को जीतने के लिए, अपने राज्यों को बचाने के लिए, मंत्रियों में, सेनापतियों में, चापलूसों में, गुप्तचरों में, वेश्याओं में, विषकन्याओं में जितनी बातें हुआ करती थी, तकरीबन ये सब कुछ हम देखेंगे। ऐसा लगता है ये मानो महाभारत का अंश हो। यदि हास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तत्क्वचित। जो यहाँ है वो अन्यत्र भी हो सकता है, लेकिन जो यहाँ नहीं है वो और कहीं नहीं हो सकता। तो बहुत विशाल पैमाने पर दंडी का राजनीतिक अनुभव रहा है। राजनीति को उन्होंने बहुत नज़दीक से देखा है और चाणक्य के अच्छे अध्येता मालूम पड़ते हैं। तो अब हम देखेंगे कि अश्मक प्रदेश का राजा वसंत भानु किस तरह से छल बल के माध्यम से अपने गुप्तचरों, अपने मंत्रियों, मंत्री पुत्रों के माध्यम से किस तरह से शक्तिशाली न होकर के भी वो इस राज्य को अपने वशीभूत कर लेता है, इस राजा के राज्य को जीत लेता है। तो जब मंत्रियों की उसने बात सुननी बंद कर दी तो सब मंत्रियों ने तय किया कि ठीक है, हम सलाह देंगे ही नहीं, हम तटस्थ हो जाते हैं। जब ये हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है तो कहने से कोई फायदा नहीं, हम तटस्थ हो जाते हैं। तो एवं गते मंत्रिणी राजनी च काम वृत्ते, थोड़ी रोशनी बढ़ा दूं। एवं गते मंत्रिणी राजनी च काम वृत्ते, इस प्रकार मंत्री सब गए यानी तटस्थ हो गए, अब राजा के साथ नहीं है। और राजा राजनी च काम वृत्ते, राजा काम वृत्त में लग गया। काम वृत्त यानी स्वेच्छाचारी हो गया, जो उसकी मन करेगा वो करेगा, यानी उस पर किसी प्रकार का कोई संवैधानिक या नैतिक नियंत्रण अब नहीं रहा। राजनीच काम वृत्ते चंद्रपालितो नाम अश्मकेंद्र अमात्यस्य इंद्रपालितस्य सूनु,
असद वृत्त चंद्रपालित नाम का अश्मकेंद्र के अमात्य इंद्रपालित का सूनु यानी पुत्र असद वृत्त जो असद वृत्ति वाला था यानी दुराचारी था, सदवृत्ति वाला नहीं था। तो अश्मकेंद्र वसंत भानु, उनका अमात्य इंद्रपालित और उसका पुत्र चंद्रपालित जो दुराचारी था, उस दुराचारी चंद्रपालित नामक इंद्रपालित के पुत्र ने पितृ निर्वासितो नाम भूत्वा, मुझे मेरे पिता ने अपने राज्य से निकाल दिया है, अपने घर से निकाल दिया, इस तरह के उसने अफवाह फैला दी। बिहार भद्र से आकर उसने इस तरह की बात कही कि भाई मैं तो ठीक है दुश्मन देश का हूँ, दुश्मन देश के मंत्री का बेटा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे तो मेरे पिता ने अपने राज्य से निकाल दिया। इस प्रकार से बहुभिश्चारण गणई ही, देखिए अगर पुस्तक में हो सकता है यहाँ पर बहुभिश्चारण गुणई ही लिखा है कुछ जगहों पर, बहवी भी अनल्प कौशला भी, बहुत सारी अनल्प कौशला भी, शिल्पकारिणी भी, शिल्पकारिणी यानी जो शिल्प इत्यादि में कला कलाप में कुशल थीं, ऐसी स्त्रियां जो अनल्प कौशला भी, जो अल्प कौशला भी, अल्प कौशला नहीं थीं, अल्प कौशला यानी कम स्किल्ड यानी अधिक चतुर अधिक निपुण, शिल्पकारिणी यानी कि कला कलाप कुशल स्त्रियों के साथ अनेक छन्न किंकरैश्च, छन्न यानी गुप्त, गुप्त सेवकों के साथ गूढ़ पुरुषै ही परिवृत्तो, और गूढ़ पुरुष यानी गुप्तचरों के द्वारा परिवृत्त घिरा हुआ यानी उनको लेकर के, बहुत सारे गुप्तचरों को लेकर के, बहुत सारे छिपे हुए सेवकों को लेकर के, बहुत सारी स्त्रियों को लेकर के जो कला कलाप में कुशल थी, और बहुत सारे चारणों को लेकर के, विविधा भी क्रीड़ा भी विहार भद्रम आत्मसाद अकरोत, अनेक क्रीड़ाओं के द्वारा अनेक छल प्रपंचों के द्वारा उसने विहार भद्र को आत्मसात कर लिया, अपना मित्र बना लिया, विहार भद्र का वो विश्वास पात्र हो गया। हम देखते हैं विहार भद्र भी दुराचारी है, तो अनेक स्त्रियों के प्रभाव में आकर के बहुत संभव है ऐसे लोगों को अपना वशीभूत कर लिया जाए। तो अनेकों प्रकार से क्रीड़ाएं करता हुआ, अनेकों तरह से खेल करता हुआ उसने विहार भद्र को आत्मसात कर लिया, यानी उसका विशेष, उसका विशिष्ट व्यक्ति, उसका खास आदमी बन गया। अमुना चैव संक्रमेण स राजनी आस्पदम अलभत, और इसी के संक्रमण से यानी इसी के साथ से वो राजा का आस्पद हो गया यानी राजा का खास हो गया, राजा के दरबार में भी उसका विशेष स्थान हो गया। बहुत सोची समझी चाल थी अश्मकेंद्र के अमात्य इंद्रपालित की, जिसमें अश्मकेंद्र की सहमति थी कि वो उनके पुत्र को भेजेगा और वो ये कह करके जाएगा कि मैं तो क्या करूँ, मुझे तो मेरे पिता ने निकाल दिया है, और जा करके उसको दोस्ती करनी है किससे, विहार भद्र से जो राजा का खास है और जिसकी राज्य में सबसे अधिक चलती है। ये गुप्तचरों का काम हुआ करता था। आप देखिए कि गुप्तचरों के माध्यम से किस तरह की उन्होंने सूचनाएं इकट्ठी कर रखी हैं। गुप्तचरों की सूचनाओं का इस तरह से फायदा उठाते थे कि उनको पता है कि आज की डेट में सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन है राजा के दरबार में, उसको पकड़ लिया जाए। तो इस प्रकार से उन्होंने उसको, उसकी कमजोरियां क्या हैं ये भी जान लिया, और उसकी उन कमजोरियों पर प्रहार करके यानी उसके लिए वो चीज़ें उपलब्ध करवा करके, स्त्रियां शराब जो भी उसकी कमजोरियां हैं वो उपलब्ध करवा करके उसका मित्र बन गया, और उसके बहाने से वो राजा के दरबार में प्रवेश पा गया, राजा का खास बन गया। लब्ध्र रंध्रश्च, और रंध्र यानी छेद को पाकर, आपने देखा है कोई कपड़ा हो जिसमें जरा सा छेद हो तो उस छेद में उंगली डाल करके उसको बड़ा सा किया जा सकता है यानी उसको फाड़ा जा सकता है, किसी दीवाल में थोड़ा सा छेद हो तो उस पर गड्ढा खोद करके आसानी से उसमें सुरंग बनाई जा सकती है। तो ऐसे ही आपके राज्य में जो जरा सी कमजोरी थी, ये छेद था, ये ड्रॉबैक था जिसके माध्यम से राज्य में एक शत्रु प्रवेश कर गया। लब्ध्र रंध्रश्च, इस प्रकार से उनकी कमजोरी को, छेद को पा करके, स यानी वह चंद्रपालित नामक अमात्य का पुत्र, यद यद व्यसनम आरभते, राजा जिस जिस व्यसन को आरंभ करता था
राजा जो जो भी काम करना चाहता था, जो जो भी व्यसन करता था, तथेत इति अवर्णयत, तथा इति, हाँ वो ठीक ही है, ऐसा करके वो वर्णन कर देता था। यानी राजा जो भी करना चाहे उसको वो ठीक बता देता था। महाराजा बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम है। आप शराब पीना चाहते हैं महाराज, शराब से तो बहुत फ़ायदे हैं। आप शिकार करना चाहते हैं महाराज, शिकार के बहुत सारे फ़ायदे हैं। राजा जो जो भी व्यसन आरंभ करता था, उस व्यसन की वो तारीफ करने लगता था। इससे दो फायदे हुए, एक तो वो राजा का विश्वास पात्र बन गया, राजा के मन की बात कर रहा है, और दूसरी बात ये हुई कि वो राजा की कमजोरियों के मार्फत धीरे धीरे राजा को गलत प्रवृत्तियों में प्रेरित करता करता राजा के ऊपर हावी हो जाता है। राजा के सुख सुविधाओं को उपलब्ध कराने का बहाना करते करते राजा की नज़रों में ऊँचा उठ करके अंत में राजा के ऊपर वो हावी हो जाता है, उसको डोमिनेंट कर देता है, और उसके राज्य में उसकी हुकूमत वैसे ही चलने लग जाती होगी जैसे अभी तक बिहार भद्र की चल रही थी। अब आके देखेंगे कि इन चीज़ों का परिणाम कैसा होगा। बच्चों बहुत मज़ा आएगा आपको ये जान करके कि किस तरह से राजनीति के घात प्रतिघात होते हैं, कैसे एक कमज़ोर राजा एक मजबूत राजा पर विजय प्राप्त कर लेता है, ये हम आगे देखेंगे चाणक्य नीति के अनुसार जो दंडी ने वर्णन किया है। शेष अगली बार। धन्यवाद।